हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता, प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एलोवेरा प्लांट की रेनी सीजन में किस प्रकार देखभाल की जाए और हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज मैं उसी के विषय में आपसे जानकारी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। एलोवेरा का प्लांट जो होता है वो सैकुलेंट प्लांट की फैमिली को बिलोंग करता है। ये बहुत हार्डी प्लांट होता है और ये ड्राई एरिया सूखे जगह का ये एक प्लांट है। ये एलोवेरा प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी भी नुकीली चीज़ से, चाहे कोई स्क्रू हो या कोई भी नुकीली चीज़ हो, उससे हमें इसका पॉट का, एलोवेरा के पॉट का ड्रेनेज होल चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नीचे प्लांट की जड़ आ गई हो और ड्रेनेज होल बंद हो गया हो, या कभी कभी मिट्टी ही सख्त हो जाती है। तो ड्रेनेज होल को चेक कर लेने से बारिश का एक्स्ट्रा पानी हमारे पॉट में नहीं जमा हो पाता है और इस ड्रेनेज होल से वो सारा एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है। यहाँ हमने पॉट के ड्रेनेज होल को अच्छी तरह से चेक कर लिया है। अब हम बात करते हैं पानी की। तो बरसात में तो पानी की आवश्यकता नहीं होती है एलोवेरा प्लांट को, फिर भी हम फिंगर से मिट्टी में अपनी फिंगर को डाल करके देख लेंगे कि यदि उसमें नमी लगती है तो हम उसको वाटरिंग नहीं करेंगे। और ये वैसे भी एक सैकुलेंट प्लांट है तो वाटर की नीड जो होती है इस प्लांट को बहुत नहीं होती है। एलोवेरा का प्लांट जो है अपने पत्ते और तने में खाना और पानी स्टोर किए हुए रहता है, इसलिए जब भी हम इसमें पानी डालेंगे तो पहले मिट्टी को चेक कर लेंगे तब पानी डालेंगे। प्लांट में पानी ऊपर से ना दे करके नीचे साइड से देंगे। अब इसके लोकेशन की बात कर लेते हैं कि इसको कहाँ रखा जाए। तो एलोवेरा के प्लांट को बारिश के पानी में थोड़ा शेड एरिया में रखना चाहिए, जहाँ से बारिश के पानी की थोड़ी बौछार तो उस पर पड़े लेकिन डायरेक्ट जो है पानी उस पर ना पड़े। वैसे ये प्लांट जो होता है, अगर बारिश का पानी एक दो दिन तक इस पर पड़ता है तो ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन लगातार बारिश अगर इस पर पड़ रही है और ये बारिश में ही पड़ा हुआ है, तब इसमें फंगस लगने का, रूट रॉट होने का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के पानी में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन जो होता है किसी भी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एलोवेरा प्लांट के ऊपर जब बारिश का पानी पड़ता है तो उसके पौधे जो होते हैं बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और चमकदार होते हैं। तो थोड़ी बारिश का पानी अगर एलोवेरा प्लांट के ऊपर पड़ रहा है तो कोई भी उस पौधे को नुकसान नहीं होगा। और बारिश में इस पौधों की जो पत्तियों पर पानी पड़ता है उससे धूल और मिट्टी जो है साफ़ हो जाती है, जिससे पौधा जो होता है फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता जो है बढ़ा लेता है। लेकिन अगर हमारा प्लांट लगातार बारिश में पड़ा हुआ है और हम उसका केयर नहीं कर रहे हैं, तब प्लांट में रूट रॉट और फंगस की समस्या बढ़ जाती है। अब हम सनलाइट की बात करेंगे। तो एलोवेरा का प्लांट जो होता है वो इंडोर और आउटडोर दोनों तरह का प्लांट होता है। और जब हम इसे इंडोर में रखते हैं तो ये रात के समय बहुत ऑक्सीजन छोड़ता है। ये प्लांट एयर को प्योरीफायर करता है और हम इसे अपने घर के अंदर बेडरूम में, किचन में, कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन जहाँ भी हम रखें वहाँ पर एक इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो। इस प्लांट को हम ऐसी जगह पे नहीं रखेंगे जहाँ पर कि रोशनी ना आती हो और अंधेरा होगा। और अंधेरा अगर हम ऐसी जगह पे रख देंगे कि जहाँ इसको रोशनी नहीं मिल रही है, तो फिर इसकी जो पत्ते होते हैं, तने जो होते हैं, लंबे हो जाएंगे और थोड़े से मुड़े से, झुके झुके से हमें दिखाई देने लगते हैं। जाड़े या गर्मी के मौसम में तो हम इस प्लांट को ज़रूरत और टेम्परेचर के अनुसार सनलाइट में रखते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में जैसे ही धूप निकले इस प्लांट को हमें धूप में रख देना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में एटमॉस्फेयर में काफ़ी नमी हो जाती है, जिससे कि प्लांट के मिट्टी पॉट में जो होता है मिट्टी में भी नमी बनी रहती है। और जब हम धूप दिखा देते हैं तो इसकी मिट्टी को एक एनर्जी मिलती है, जिससे फंगस का डर नहीं रहता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की।
तो एलोवेरा का जो प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। हम शुरू में जब प्लांट लगाते हैं तब फर्टिलाइज़र डाल देते हैं उसमें, कोई भी कंपोस्ट, नीम, वर्मी कंपोस्ट। लेकिन जैसे हमारी मिट्टी जो है पुरानी हो गई हो, काफ़ी दिनों से हमने उसको रिपोर्ट नहीं किया हो, तो हम उसमें जो है मानसून रेनी सीज़न आने के पहले जितना बड़ा हमारा प्लांट हो और जितना बड़ा हमारा पॉट हो उस अनुसार हम एक या दो मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, पत्तियों की खाद डाल सकते हैं। एलोवेरा प्लांट में हम फरवरी में और सितंबर में तो खाद डालते ही हैं क्योंकि ये उसके ग्रोथ का टाइम होता है। लेकिन जब रेनी सीज़न शुरू होने से पहले हम एलोवेरा प्लांट को कोई भी खाद दे देते हैं तो ये प्लांट को न्यूट्रिशन देता है और खाद डालने से मिट्टी जो है सॉफ्ट हो जाती है। अब बात करते हैं पॉट की। तो बारिश के दिनों में यदि हम कोई नर्सरी से प्लांट ले आते हैं एलोवेरा का, या अपने घर में ही कोई बेबी प्लांट को हम रिपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें इस तरह का छोटा पॉट लेना होगा क्योंकि छोटा पॉट होगा तो उसमें मिट्टी भी कम होगी जिससे कि पॉट में पानी स्टोर नहीं हो पाएगा और मिट्टी जल्दी ही सूख जाएगी। जब हम नर्सरी से लाए हुए पौधे को या अपने घर में जो एलोवेरा का बेबी प्लांट है उसको बड़े पॉट में लगाते हैं तो बड़े पॉट में हमें ज़्यादा मिट्टी भरनी पड़ेगी और जब बारिश का पानी उसमें भरेगा तो हमारे छोटे प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुँचेगा और जड़ें जो हैं सड़ने लगेंगी। हमें एलोवेरा प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर देनी चाहिए हर 15 से 20 दिन में। उससे मिट्टी जो है बहुत सॉफ्ट होती जाएगी और बरसात के दिनों में इसका जो होता है इस प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और इसमें से बेबी पप्स निकलते हैं। तो जब हम गुड़ाई कर देंगे इस प्लांट की मिट्टी का तो इस बेबी पप्स को निकलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। बरसात के दिनों में छोटे छोटे बेबी प्लांट ग्रो हो जाते हैं और बाद में जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको निकाल करके हम किसी भी पॉट में रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट करते समय हमें जो है पॉट की मिट्टी को वेल्ड्रन बनाना है। तो जो भी पॉट में हम रिपोर्ट करेंगे उसमें हम सैंड की मात्रा ज़्यादा ऐड करेंगे। जैसे एक हिस्सा हम गार्डन सॉइल रखेंगे, एक हिस्सा हम खाद का रखेंगे और दो हिस्सा हम रेत मिलाएंगे जिससे रेत जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। फ्रेंड्स, हम आपको ऐसे दो टिप्स बताने जा रहे हैं जिसमें कि हमारा एलोवेरा का प्लांट पूरी बारिश में भी बाहर अगर पड़ा रहता है, उसमें बारिश का पानी पड़ता रहता है तो भी वो ख़राब नहीं होगा, कोई भी रूट रॉट की प्रॉब्लम और फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, हमारे पास कोई घना एलोवेरा का बड़ा प्लांट है जिसकी मिट्टी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और हमने उसको रिपोर्ट भी नहीं किया है, तो बारिश के मौसम में बारिश के पानी से एलोवेरा का प्लांट बचा रहे तो उसके लिए हम उसकी मिट्टी के ऊपर अच्छे से बालू भर देंगे और बालू के ऊपर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे टूटा गमला होता है उसके गमले के छोटे छोटे टुकड़े करके हम उस बालू के ऊपर बिछा देंगे जिससे बारिश के पानी में अगर ये प्लांट पड़ा रहता है पूरे टाइम भी तो भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम इंडोर भी अपने प्लांट को नहीं रख सकते हैं या कोई शेड एरिया नहीं है, हमने अपने प्लांट को छत पे रखा हुआ है, वहाँ पे किसी भी शेड में हम नहीं रख पा रहे हैं, तो उस समय हम अपने प्लांट में इस तरह का काम कर लेते हैं तो हमारा प्लांट बारिश के पानी में भी सुरक्षित रहेगा। दूसरा वाला प्लांट जो कम घना है उसकी भी मिट्टी के चारों तरफ हम बालू को अच्छी तरह से भर देंगे जिससे जब बारिश का पानी उसमें भरेगा तो रेत जो है वो पानी को उसमें जमा नहीं होने देगा पॉट में और पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इस पॉट में भी हम बालू के चारों तरफ ईंट के टुकड़ों को अच्छी तरह से दबा देंगे जिससे जब इसमें बारिश का पानी पड़े तो ये ईंट के टुकड़े जो हैं पानी को सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और बालू तो इसमें डाला ही हुआ है ऊपर से तो बालू भी पानी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्स्ट्रा पानी जो है बारिश का उसको इस पॉट में इकट्ठा नहीं होने देगा जिससे कि इस प्लांट में किसी भी तरह की रूट रॉट की प्रॉब्लम या फंगस लगने की प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी।
किसी भी सकुलेंट प्लांट को बारिश के पानी से बचाने के लिए बालू और ईंट के टुकड़ों का इसी तरह उपयोग करना चाहिए। यदि तेज बारिश से पौधों की पत्तियां खराब हो गई हैं तो मौसम खुलने पर उन पत्तियों को काट छाट के अलग कर देंगे। इससे कीट और रोगों को रोकने में मदद मिलती है। और यदि कुछ पत्तियां सड़ी गली प्लांट में लगी हुई हैं तो उन पत्तियों को भी हम निकाल करके हटा देंगे। इसके रहने से दूसरी जो अच्छी पत्तियां होती हैं वो ख़राब होने लगती हैं। पानी ज़्यादा होने से पत्तों में थोड़े काले काले स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। तो ये देखिए, थोड़े थोड़े बहुत छोटे छोटे से इस पत्ते में थोड़े काले स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम की कोई बात नहीं होती है। उस पत्ते को हम काट करके अलग कर देंगे और हम सारे प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे या किसी भी फंजीसाइड का छिड़काव कर देंगे। और घर में जो हल्दी होती है उस हल्दी को हम मिट्टी में चारों तरफ से स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स, रेनी सीजन में एलोवेरा प्लांट की किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसके संबंध में मैंने आपको सारी जानकारियाँ दी हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और वीडियो के बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। धन्यवाद।